नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GIT में। दोस्तों आज हम इस चैनल में आपके लिए लेकर आए हैं एक नया और इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आपसे अनस्क्रूइंग मोड के बारे में। दोस्तों हम आगे बताएंगे वीडियोस में कि डिफरेंट टाइप ऑफ अनस्क्रूइंग टेक्निक क्या होते हैं और इस टेक्निक की मदद से थ्रेडेड कैप्स या इंटरनल थ्रेड वाले प्रोडक्ट जो होते हैं कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से टेक्निक यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी टेक्निकल और इंफॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अनस्क्रूइंग मोल्ड होता क्या है। दोस्तों अनस्क्रूइंग मोल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस का एक यूनिक मेथड है, ये बहुत ही यूनिक मेथड होता है। इसका प्रयोग जो होता है थ्रेडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें इनसाइड थ्रेड्स होते हैं, जैसे कि इंटरनल थ्रेड, यानी कि जैसे कि ढक्कन वाला प्रोडक्ट हो गया या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें इंटरनल थ्रेड्स होते हैं, उनको बनाने के लिए अनस्क्रूइंग मोल्ड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इंटरनल थ्रेड वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको साधारण नॉकआउट रॉड से या नॉकआउट बार से उसको प्रेस करके या पुश करके इजेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि हम उसको इजेक्ट करना चाहेंगे इस तरीके से, साधारण तरीके से जो नॉर्मल तरीका होता है इंजेक्शन मोल्डिंग का, तो उसमें क्या होगा कि जो ये थ्रेड्स बने हुए हैं अंदर, ये डैमेज हो जाएंगे और प्रोडक्ट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें प्रयोग किया जाता है अनस्क्रूइंग मोल्ड का। जैसा आप यहाँ पे एनिमेशन की मदद से देख पा रहे होंगे, अनस्क्रूइंग मेथड में कोर को रोटेट किया जाता है, यानी कि जहाँ पे प्लास्टिक प्रोडक्ट बनता है और उसमें जिस पे थ्रेड रहता है उसको रोटेट करके अनस्क्रू किया जाता है, यानी कि खोला जाता है और इससे प्रोडक्ट को इजीली इजेक्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों आगे हम जानते हैं कि कौन कौन से टेक्निक प्रयोग किए जाते हैं आपके अनस्क्रूइंग मोल्ड को बनाने के लिए या अनस्क्रूइंग प्रोडक्ट को बनाने के लिए मोल्ड करने के लिए। इसमें है हाइड्रो मोटर विद गियर, ये टेक्निक यूज किया जाता है। अगला टेक्निक है आपका हाइड्रो मोटर विद चेन। अगला टेक्निक है मैकेनिकल हेलिकल स्पिंडल। अगला है रैक एंड पिनियन विद हाइड्रोलिक सिलेंडर। उसका अगला है मैकेनिकल रैक एंड पिनियन कोलेट टाइप कोलेप्सिबल कोर, कैम गाइड विद कोलेप्सिबल कोर और सर्वो मोटर विद बेल्ट। दोस्तों ये सारे टेक्निक्स जो हैं मोल्ड में प्रयोग किए जाते हैं इंटरनल थ्रेड्स या अनस्क्रूइंग मोल्ड में इंटरनल कैप्स वगैरह बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए एक एक करके इन सारे टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहला है हाइड्रो मोटर विद गियर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हाइड्रो मोटर माउंटेड है आपके मोल्ड के ऊपर। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोलिक मोटर जो होता है गियर को रोटेट करता है, और इसमें जो गियर होते हैं वो छोटे छोटे गियर्स के साथ अटैच्ड होते हैं जो रोटेटिंग पंच में लगे होते हैं, और जब हम बड़े गियर को रोटेट करते हैं आपके हाइड्रोलिक मोटर से, तो यह सारे गियर्स को रोटेट करता है और इजीली प्रोडक्ट अनस्क्रू हो जाता है और प्रोडक्ट को निकाल लिया जाता है घुमाकर। अगला है हाइड्रो मोटर विद चेन। इसमें क्या होता है, इसमें एक चेन की मदद से हाइड्रो मोटर कनेक्ट रहता है जो स्प्रोकेट गियर के साथ अटैच रहता है। चेन सभी कोकोर के साथ लगे हुए स्प्रोकेट के साथ अटैच रहता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सारे जो छोटे छोटे पंच हैं या कोर कह लीजिए, उसमें छोटे छोटे स्प्रोकेट हैं जो कि चेन के साथ अटैच्ड हैं। जब आपका हाइड्रोलिक मोटर या हाइड्रो मोटर रोटेट होता है तो उसमें लगे हुए स्प्रोकेट की मदद से सारे कोर्स एक साथ अनस्क्रूइंग होते हैं, यानी कि घूमना चालू करते हैं और प्रोडक्ट ईजिली निकल कर बाहर आ जाता है। दोस्तों अगला है मैकेनिकल हेलिकल स्पिंडल। अब मैकेनिकल हेलिकल स्पिंडल क्या होता है, दोस्तों यह एक हेलिकल रॉड होती है जिसकी मदद से अनस्क्रूइंग की जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने ग्रीन कलर के एरो से दिखा रखा है हेलिकल रॉड ड्राइंग में भी और प्रैक्टिकली मोल्ड में भी। दोस्तों यह जो होता है मोल्ड के मेन गियर के साथ अटैच्ड होता है। जैसे जैसे मोल्ड खुलता है हेलिकल गियर क्या करता है, मेन गियर को रोटेट करता है और उससे अटैच जो पंच या कोर में जो गियर्स होते हैं वो रोटेट होना चालू होते हैं और प्रोडक्ट इजिली अनस्क्रूइंग हो जाता है। यहाँ पे हमने दिखा रखा है आपको हेलिकल गियर कह लीजिए या हेलिकल रॉड कह लीजिए, जिसमें गियर नुमा बना हुआ है और जो मेन गियर्स के साथ अटैच्ड है, और वो गियर अटैच्ड हैं आपके रोटेटिंग कोर वाले पंच के साथ, जो उसको जैसे जैसे मोल्ड खुलेगा वैसे वैसे ये सारे गियर रोटेट होंगे और प्रोडक्ट अनस्क्रू हो जाएगा। दोस्तों इसका प्रयोग जो होता है बहुत ही कम थ्रेड वाली, यानी कि दो तीन थ्रेड या मैक्सिमम पांच थ्रेड
वाले प्रोडक्ट को अनस्क्रू करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यदि ज्यादा थ्रेड के लिए किया जाएगा तो मोल्ड की ओपनिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यह डिपेंड करता है ओपन कैसे करता है। जैसे जैसे मोल्ड ओपन होता है वैसे वैसे रोटेट होता है गियर और प्रोडक्ट अनस्क्रू होता है। तो यदि हमें ज्यादा थ्रेड वाला प्रोडक्ट बनाना है तो हमें छोटे मोल्ड को भी बड़े मशीन पर लेके जाना पड़ेगा, इसलिए यह पद्धति बहुत ही कम यूज की जाती है। दोस्तों अगला है रैक एंड पिनियन विद हाइड्रोलिक सिलेंडर। इसमें एक हाइड्रोलिक सिलेंडर की मदद से रैक को आगे पीछे किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रैक जो है हाइड्रोलिक सिलेंडर से कनेक्ट है। जब हाइड्रोलिक सिलेंडर से पुश किया जाता है आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तब ये कोर जो होते हैं रोटेट होते हैं और प्रोडक्ट जो है इजेक्ट हो जाता है। दोस्तों अगला है मैकेनिकल रैक एंड पिनियन। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें एक रैक लगा रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें वो शुरू के कुछ दूर तक आपका कोई उसमें खांचे नहीं बने होते हैं और लास्ट में खांचे बने होते हैं। शुरू के कुछ दूर इसलिए खांचे नहीं बने होते हैं ताकि आपका स्क्रू इजिली निकल जाए, उसके बाद इसमें लगा स्पर गियर रैक की मदद से रोटेट होता है, जो कि रोटेटिंग पंच को रोटेट करके पीस को इजेक्ट कर देता है। दोस्तों अगला है कोलेट टाइप कोलेप्सिबल कोर। दोस्तों इसमें क्या होता है, कोलेट खोखला जैसा कोर बना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने तीर के माध्यम से दिखाया है, और इसके बाहरी सरफेस या आउटर सरफेस पे थ्रेड बना होता है। जैसे ही इसमें एक पिन की मदद से, जो ब्लू कलर की पिन है, इसकी मदद से पुश किया जाता है तो कोर एक्सपेंड हो जाता है और थ्रेड का शेप ले लेता है, जैसा कि आप एनिमेशन में देख पा रहे होंगे एक्सपेंडेशन और आपका श्रिंक होना या कोलैप्स इन कहते हैं उसको, कोलैप्स इन होना आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे ही यह ब्लू कलर का पिन जो है आपको पुश करता है तो एक्सपेंड होकर थ्रेड का रूप ले लेता है, उसके बाद प्लास्टिक मोल्डेड होता है उसके ऊपर, और उसके बाद जैसे ही ये रिट्रैक्ट होता है यानी रिट्रैक्शन होता है पीछे आता है तो क्या होता है, ये श्रिंक हो जाता है या कोलैप्स इन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। दोस्तों अगला है कैम गाइड विद कोलैप्सिबल। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें क्या होता है कि इसमें इस प्रकार के मोल्ड में थ्रेड कोर जो होते हैं सेगमेंटेड होते हैं, यानी कि कई भाग में बने होते हैं और ये गाइड के ऊपर रन करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ ब्लू कलर की गाइड है, उसके ऊपर रन कर रहा है यह छोटे छोटे सेगमेंटेड पार्ट। आप इजीली अच्छी तरीके से समझना चाहें तो बाएं तरफ का आप एनिमेशन देख सकते हैं, जिसमें दो कलर में येलो और रेड कलर में हमने सेगमेंटेड कोर्स को या सेगमेंटेड इंसर्ट्स को दिखा रखा है। जैसे ये ऊपर की तरफ स्लाइड होते हुए जा रहा है तो कोलैप्स इन हो रहा है, और जैसे ही बैक आता है नीचे की तरफ आता है तो ये कोलैप्स आउट होता है और शेप ले लेता है थ्रेड का। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको गाइड की मदद से आपका प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज किया जाता है। अगला है दोस्तों सर्वो मोटर विद बेल ड्राइव। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पर मोल्ड में एक सर्वो मोटर फिट किया जाता है और उस सर्वो मोटर से अटैच करके एक बेल्ट जो होता है सारे कोर्स के साथ अटैच रहता है, और जैसे ही सर्वो मोटर को चालू किया जाता है और घुमाया जाता है उससे स्पीड सेट किया जा सकता है, बहुत ही फास्ट निकाल सकते हैं या प्रोडक्ट के अनुसार स्लो भी निकाल सकते हैं। इसके लिए कंट्रोलर अलग से लगाया जाता है इस प्रकार के मोल्ड में, और उससे स्पीड को कंट्रोल करके प्रोडक्ट को ईजिली निकाला जाता है। दोस्तों यह जो होता है यह ज्यादातर मल्टी कैविटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, जैसे कि 32 कैविटी 64 कैविटी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, और यदि आपका कोई सजेशन है या कोई प्रश्न रह गया हो तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का जरूर से जरूर कोशिश करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों अगर मैंने अनस्क्रूइंग मोड के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है तो कृपया लाइक का बटन ठोक दीजिए, और अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को।